वैक्सीन एक इस टाइम जो है आपकी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट बन चुकी है, क्योंकि कोविड जिस तरह आपको पता है स्प्रेड हो रहा है, और बाकी अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इवन वर्ल्ड वाइड वैक्सीन जो है अब उसको मैंडेटरी बना दिया गया है कि हर बंदे ने वैक्सीन लगवानी है तो वो आगे लाइफ में वो कर सकता है। बिकॉज वैक्सीन तो इस तरह स्प्रेड हो रही है पर्सन टू पर्सन, जो डेंजरस भी है, और आप वैक्सीन करवाएंगे तो आपके लिए, और ये सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वैक्सीन आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, आप करवाएंगे तो सारे सेफ रहेंगे ना, ये एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी वजह से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोगों को रुझान भी बढ़ रहा है, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर रही है और लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को अब खुद भी फिक्र हो रही है, लोग वैक्सीन करवाने आ भी रहे हैं। और माशाल्लाह आज हमने राजदी कोर्ट में जो वैक्सीन की गाड़ी लगवाई है उससे लोगों का अच्छा रुझान बढ़ा है, लोग आए हैं और लोगों ने अच्छे तौर पर वैक्सीन करवाई भी है। सर, लोग वहम का शिकार हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वहम का शिकार तो इस तरह है कि पहले तो बहुत ज़्यादा वहम था जी, सबसे ज़्यादा लोगों को जो वहम था कि ये वैक्सीन होगी तो हम बीमार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह लोगों को हो रही है और लोग माशाल्लाह ठीक सेहतमंद घूम भी रहे हैं तो अब लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन, और जिस तरह एक एक को लगती जा रही है तो वहम भी दूर होता जा रहा है और लग भी रही है। अल्लाह माफ़ करे, ये डॉक्टर की बात ही है कि लोग कहते हैं जी वैक्सीन लगाने के बाद दो साल बाद आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह को तो प्यारा बंदा एक मिनट में भी हो सकता है, दो साल तो फिर बहुत लंबा अरसा है। गारंटी दे रहे हैं एक्सपर्ट के लिए कि आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराएँ। बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट डोज लगवा लिया, उन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे। हमारे बहुत सारे यहाँ दोस्त हैं जो हमारे साथ मिल के हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कंटेनर के लोगों के साथ हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एरिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मोहल्ले वालों को बुला कर ला रहे हैं जिनकी सेकेंड डोज रह गई है, जिन्हें फर्स्ट डोज नहीं हुई, या जो अंडर 18 हैं। और ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। दैट्स वाई गवर्नमेंट भी इतने एफ़र्ट्स कर रही है और तमाम एरिया इन्फ्लुएंसर्स भी जितने भी हैं हमारे बहुत ताउन कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह होता रहे ताकि हमारे मुल्क से भी ये कोरोना ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ताला। देखें, जिन्होंने नहीं लगवाई उनको वैक्सीन करवानी चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी प्रिकॉशन है और सेफ्टी प्रिकॉशन सबको लेनी चाहिए, ठीक है ना। लोग वहम का शिकार हैं, डरे हुए हैं और उन्हें लगता है पता नहीं इस वैक्सीन में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कम से कम आकर हॉस्पिटल आए, किसी भी हमारे हॉस्पिटल आए, हमारे डॉक्टर से मशवरा करे कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन क्या है, ये क्यों है। सिर्फ आपको थोड़ा सा वहम हो रहा है, किसी ने कह दिया मीडिया पे कोई उल्टी सीधी बात आपने सुन ली और आप वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, तो ये आपके लिए और हमारी पूरी कौम के लिए ख़तरा है। डिफेक्ट तो नहीं है, आप क्या कहेंगे इसके मुताबिक? जी, मैं ये कहूँगी कि 12 से 18 साल के स्टूडेंट को वैक्सीन लगानी चाहिए और हम लगा रहे हैं और वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। डरे हुए हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि वैक्सीन लगानी चाहिए, ये एक प्रिवेंशन है जिससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं। और सिंध गवर्नमेंट के और जरताश मलिक जो वार्ड 5 के काउंसलर हैं, मेंबर हैं कंटोनमेंट के, और यहाँ की कम्युनिटी के जिन्होंने तावन किया, आज काफ़ी लोगों का तासुर जा रहा था कि हमें जो है ना वैन चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, हमें दूर जाना पड़ता है सिविल हॉस्पिटल जना और डाओ। उन्हें जरताज भाई ने और मोहम्मद यूसुफ मुर्ज़ा बलोच साहब ने आज अपने हल्के PS 88 में कंटोनमेंट में एक गाड़ी हमें प्रोवाइड की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे वैक्सीनेशन का सुबह से 9 बजे से अभी तक काम चल रहा है और वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है सिंध गवर्नमेंट का और इंशाल्लाह हमें आ रही है, जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी इस वैक्सीनेशन गाड़ी की हमें, और माशाल्लाह जरताज भाई ने यूसुफ साहब ने मिलकर ये मंगाई और यहाँ के आवाम के लिए भलाई के लिए इन लोगों ने यह अच्छा इकदाम उठाया है। और लोग जो यहाँ से दूर जाते थे वैक्सीन के लिए, परेशान होते थे, दर बदर धक्के खाते थे, उनसे ये बच गए और ये दर दर पे जो ना इनको अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ये मोहम्मद यूसुफ बलोच साहब की और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने हमेशा अपने आवाम की बात सुनी है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे वॉलंटियर दोस्त भी मौजूद हैं, हमीद साहब है हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, और माशाल्लाह साहब भी खुद खड़े हैं, और यूसुफ साहब की बड़ी मेहरबानी है इनके। जी बिल्कुल भाई, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन लगाई है उनको दूसरी भी लाजमी लगानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना जो है काफ़ी जो है फैल गया है, तो वैक्सीन जो है बिल्कुल ज़रूरी है, इंसान की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। वैक्सीन लगाओ, कोरोना को भगाओ। और हम बहुत मशहूर हैं अपने MPA हरदिल अजीज़ यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहब के, हम जरताश मलिक साहब के, अली गौर अबड़ो साहब के, और गवर्नमेंट सिंध के, और हम मशहूर हैं कि उन्होंने हमें ये चीज़ प्रोवाइड की है
वैक्सीन की गाड़ी ला के यहाँ पे जितने भी गरीब जो नहीं पहुँच सकते हॉस्पिटलों में इधर उधर, उन्होंने जो है यहाँ पे आके ये फैसिलिटीज़ हासिल की है।